लोग समझते हैं कि सऊदी अरब के रोडों पर रियाल थे। फिर वो शेख जो आवाज देता है ना, या कल्ब या हिमार, खबरी लो। मैं कहता हूं अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हर साल हज और साल में तीन मरतबा हरमैन उमरे के लिए जाना नसीब फरमा, लेकिन जैसे आपने कुफर से बचाया सऊदियों के नीचे काम करने से महफूज फरमा। खुदावंद ताला से कहो रब करीम रज़ाक तू है, मेरा ईमान तेरे रज़ाक होने पर है, मुझे सऊदियों की रोटी नहीं चाहिए। अल अमान वल हफीज। एक मुखलिस दोस्त है, गैर मामूली ऊंची शख्सियत है, एक कुफर के मुल्क में बादशाह उससे मोहब्बत करता था। सऊदी शहजादे वहां गए, उसको कहा वाह तेरे जैसे नमाजी, तेरे जैसे गैरती मोमिन तू यहां बैठा हुआ है, हम मक्का और मदीना तुझ पे लुटा देंगे। मुझसे बात की, मैंने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप उसी जगह काम करें, हज और उम्रे हर साल करें, काम न करें सऊदी अरब में। कल आके मुझे कहा कि अरबों रुपए मेरे दबा लिए और मुझे कहते हैं कि यहां रहते हो तो हमारा उसूल मानना पड़ेगा। उसूल क्या है? पैसे आपके और नाम हमारा। मुझे कहा याद है, कहा 12 साल पहले आपने मुझे सख्त मना किया, आपकी फिरासत को सलाम करता हूं, और आज मैं सब कुछ वहां छोड़कर वहां से भाग निकल रहा हूं। और उसी कुफर के मुल्क के बादशाह को पता चला, उसने कहा अब भी हमारे दोस्त हो, आप सब कुछ वहां छोड़े मैं बहाल कर दूंगा, यहीं अपने सीट पर आ जाए। आप जैसे बासलाहियत हमने देखा।